Dear students, today's topic is eclipse, and this topic is not only belong into science subject, it is also included in SST subject, and that was why it's very important. And it's of course classes 4 to 7th, in all classes eclipse topic aapko milega. Isliye aaj hum is topic ko lekar aaye hain जो साइंस और एसएसटी दोनों ही सब्जेक्ट्स में आता है. तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इक्लिप्स होता क्या है. इक्लिप्स मीनिंग ग्रहण. सुना ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस तरह के. तो ये ग्रहण होता क्या है. सो व्हाट इज़ द इक्लिप्स. द इक्लिप्स इज़ द पोजिशन वेन, क्योंकि हमें पता है कि मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, रिवॉल्व होता रहता है. तो जब रिवॉल्व होते होते मून की पोजिशन या तो वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए, और यह हो जाए कि मून रिवॉल्व करते हुए इस पोजीशन पर आ जाए कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, तो दोनों ही पोजीशन में इक्लिप्स हो जाता है. दैट मीन्स इक्लिप्स अकर ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द मून, एंड द पोजीशन ऑफ मून एंड द अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द रिवॉल्विंग मूवमेंट. एंड इक्लिप्स अकर व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स सन, अर्थ एंड मून्स व्हेन कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डायग्राम ऑफ सोलर इक्लिप्स. ये भी आपको हम बताएंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में. अभी सिर्फ आपको डायग्राम देखना है. ये सोलर इक्लिप्स का मत सोचो, सिर्फ दिस इज अ डायग्राम ऑफ इक्लिप्स. तो इसमें देखो सन, द सन, द मून एंड द अर्थ कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन इक्लिप्सिस आकर. एंड नाउ अभी आपको पता है कि मून की पोजिशन चेंज होती रहती है बिकॉज इट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. या तो वो इधर बीच में आएगा या रिवॉल्व होते हुए अर्थ के इस तरफ चला जाएगा. तो उस कंडीशन में दो इक्लिप्स बनते हैं. द फर्स्ट इज द सोलर इक्लिप्स एंड द सेकेंड इज द लूनर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण सुना है सभी ने, सुना है? यस. सो सोलर इक्लिप्स इज अ सूर्य ग्रहण. सोलर मीन्स सूर्य, सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है दैट इज अ सोलर. हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं ना, सन से आने वाली एनर्जी, दैट इज अ सोलर एनर्जी. सो द सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण. और ये ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण? द सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द सन एंड द अर्थ और उसके बीच में व्हेन मून इज अकर. सो द डेफिनेशन of solar eclipse is when the moon occur between the sun and the earth, solar eclipse is occur. ऐसा time आता है कि जब moon इनके बीच में आ जाता है तो sun से आने वाली light को, उसकी heating power को, उसकी light को वो रोक लेता है अर्थ पर आने से. और जब उसकी कंप्लीटली शेडो अर्थ को कवर कर ले और मून सन से आने वाली पूरी लाइट को ब्लॉक कर ले तो ये इक्लिप्स अकर होता है. तो इक्लिप्स में दो चीजें आ सकती है. या तो हो सकता है कि जिस लाइट को उस मून ने ब्लॉक किया उसकी शेडो अर्थ पर पड़ रही है, तो पार्शियल इक्लिप्स भी हो सकता है. मैंने इधर लिखा है कि मून की जो शेडो सन की लाइट को रोकने की वजह से वो जो शेडो बना रहा है इस वाले पोर्शन के अंदर, दिस इज द डार्क पोर्शन, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मून शेडो. यहाँ पर दिस इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मून शेडो. और अदर नेम एम्ब्रा, इसका अदर नेम क्या है, एम्ब्रा. दिस इज एम्ब्रा, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मून शेडो. And this is the less deep part of the moon shadow, and that part is known as less deep part of moon shadow, known as partial eclipse or the penumbra. This is partial eclipse, this is partial eclipse, and because this is the less deep part, known as penumbra. Solar eclipse की एक खास बात ये भी है कि सो वी कैन नेवर सी सोलर इक्लिप्स बाय अवर नेक्ड आइज. मीन्स अगर हम गॉगल लगाकर भी सोलर इक्लिप्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं
तो दिस इज रेडिकुलस, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. इट ऑल्सो इफेक्ट अवर आइज. सो सोलर इक्लिप्स को देखना ही नहीं है, और नेक्ड आई से तो बिल्कुल ही नहीं. नेक्ड आई मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को या बिना कुछ लगाए डायरेक्ट सोलर इक्लिप्स को देखना बिल्कुल अपनी आंखें डैमेज करने के बराबर है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स अकर ओनली ऑन न्यू मून डे. दैट मीन्स सोलर इक्लिप्स अकर, इट कैन अकर ओनली ड्यूरिंग अ न्यू मून डे. एंड हेयर आई विल राइट द डेफिनेशन. And this is the definition when the moon comes between the earth and the sun. This is the solar eclipse. And of course, eclipse cannot be seen through the naked eyes. So, this is the solar eclipse. आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम दूसरा इसका करेंगे. दूसरा पार्ट है लूनर एक्लिप्स. Now, this is the lunar eclipse. Lunar मतलब चंद्र ग्रहण. चंद्र ग्रहण सुना है ना हम सबने चंद्र ग्रहण के बारे में कि चंद्र. सो दिस इज द लूनर इक्लिप्स एंड इट्स अकर बिकॉज मून इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. दिस इज इट्स पाथ, पाथ ऑफ मून. एंड व्हेन इट्स रिवॉल्व, हमने सोलर इक्लिप्स में देखा था कि मून की पोजीशन इस तरफ थी और वो यहां से सन की आने वाली लाइट को हाइड कर रहा था, जिसकी वजह से अर्थ पर शेडो पड़ रही थी. नाउ इट बिकम चेंज. अर्थ इज कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. अब अर्थ आ गई है इन दोनों के बीच में. एंड नाउ द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट. अब सन से आने वाली लाइट को अर्थ ब्लॉक करेगा और मून तक नहीं पहुंचने देगा.